हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डेल की तरफ से आने वाले वायरलेस कीबोर्ड माउस की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि वो आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से आता है और इस बॉक्स पे जो हमें प्रिंटिंग प्राइस मिलती है वो 2499 मिलती है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो मुझे 1229 रुपए में मुझे ये अमेज़ॉन से मिला। तो ये कुछ इस तरह से पैक आता है। तो यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ से भी ओपन करते हैं। ये यहाँ से हम इस बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से पैक आता है। सबसे पहले हमें कीबोर्ड दिखता है, साइड में हमें माउस मिलता है और एक यूएसबी रिसीवर मिलता है जो कि हमें कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाना होता है। यहाँ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ पे साइड में हमें सेल मिलते हैं, तीन सेल मिलते हैं, दो पेंसिल सेल होते हैं और एक जो क्लॉक सेल होता है वो है। तो आप देख सकते हैं बॉक्स में हमें ये रिसीव हुआ है। तो हम सबसे पहले माउस को अनबॉक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं माउस कुछ इस तरह से आता है। इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, लाइट वेट माउस है। जो क्लिकिंग है वो भी बहुत परफेक्ट है। ये हमें स्क्रॉल मिल जाता है, यहाँ पे बैक साइड में हमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। कीबोर्ड और माउस यहीं से ऑन ऑफ होंगे। यहाँ पे वो क्लॉक सेल डलेगा। मैंने सेल को उल्टा इंसर्ट कर दिया था, तो आप सही से प्लस माइनस देख के ही इंसर्ट करें वरना आपका माउस और कीबोर्ड नहीं चलेगा। अब यहाँ से मैं इसे ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अब बात है कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड कुछ इस तरह से पैक आता है और कीबोर्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत लाइट वेट कीबोर्ड है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। आप कीज़ देख सकते हैं कितनी अच्छी परफेक्ट कीज़ लग रही है इसकी। इसकी जो कीज़ है वो मुझे लैपटॉप के जो कीबोर्ड्स होते हैं वैसी फील देता है। सॉफ्ट, नॉइजी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे हमें एक बैटरी का आइकन मिलता है। जब बैटरी डाउन होने लगती है तो हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे दो हमें लॉक मिलते हैं कीबोर्ड को अप करने के लिए और यहाँ पे हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो दो पेंसिल सेल डालेंगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस देख के ही आप सेल को इंसर्ट करें। जैसे प्लस इधर है तो प्लस इधर ही रहेगा और माइनस इधर नीचे की तरफ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये होने के बाद इसको लॉक कर दीजिए। हमें ये एक एडेप्टर मिलता है। बॉक्स में हमें तीन चीज़ें रिसीव होती है, आपने देखी ली होगी। चलिए अब हम इसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वर्क करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप है, ये डेल के वायरलेस कीबोर्ड माउस है। अब इस एडेप्टर को मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। जैसे आप इंसर्ट करेंगे आपका ड्राइवर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको अपने माउस में इस बटन को ऑन करना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कीबोर्ड माउस दोनों अच्छे तरह से वर्क करने लग जाएगा। तो जो कीबोर्ड है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, माउस भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बिल्कुल भी आपको डिले नहीं महसूस होगा। यहाँ पे इंस्टेंट क्लिकिंग और कीज प्रेसिंग आपको फील होगी। इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। आप इसे विदाउट एनी हेजिटेशन बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वर्थ इट है। और इस पर हमें 3 साल की वारंटी मिलती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी 3 साल की वारंटी क्लेम करती है। आप इसको चेंज करवा सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।